अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह हम सब अपने मान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सब को खैर खुश हमें सही करें। मैं आज की रेसिपी शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से, जो हम सब पे बहुत बड़ा निहायत रहने वाला है। मैं आज की रेसिपी बना रही हूँ ये मुर्गी के पंजे, पंजों की ये रेसिपी मैं बना रही हूँ। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने बहन भाई दोस्तों वीडियो रिश्तेदारों में शेयर कर देना, बेल का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि न्यू आने वाली रेसिपी जल्द आप तक पहुँच सके। ये ऑयल में मैंने इनको 3-4 मिनट फ्राई किया है पंजों को। ये अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। ये एक टी स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये शामिल कर रही हूँ। एक टी स्पून नमक है, ये शामिल किया। ये लहसुन अदरक और नमक के साथ उनको फ्राई कर रही हूँ। ऐसे बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये आप भी ट्राई करके देखना मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। अब ये प्याज और सब्ज़ी मिर्ची का पेस्ट ये शामिल कर रही हूँ। ये प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई करूंगी, इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब शामिल कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट, ये एक प्याली टमाटर का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब मैं बोटो मसाले शामिल करती हूँ। नमक 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है। ये 1 टीस्पून है सुर्ख मिर्च, ये 1/2 टीस्पून है हल्दी, ये 1 टीस्पून है गरम मसाला खुशक धनिया, एक टी स्पून है मेथी, 1/2 टी स्पून है चिकन मसाला, मिक्स करती हूँ। अच्छा, ये पंजे बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। इनकी अच्छी तरह यखनी निकल आती है। ये आप भी ट्राई करके देखना मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना। पाँच मिनट दम लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये 1/2 टी स्पून कौरमा मसाला है, 1/2 टी स्पून काली मिर्च, माशाल्लाह बहुत अच्छी भुनाई हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा कलर आया है। अब मैं 1/2 लीटर पानी लगा रही हूँ, बल्कि थोड़ा सा छीटा लगा रही हूँ, अच्छी तरह तैयार हो जाए।
बिस्मिल्लाह हमने आज की रेसिपी तैयार हो गई है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़ेदार बनी है और यखनी वाली बनी है। ये ऐसे ग्रेवी बनी है, इसकी बहुत मज़ेदार ग्रेवी बनी है। ये तीन सब्ज़ मिर्ची हैं बारीक कटी हुई, दरमियान में से काट लगा हुआ, और ये बारीक कटी हुई है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने बहन भाई दोस्तों अजीज और रिश्तेदारों में शेयर कर देना, बेल का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि न्यू आने वाली रेसिपी जल्द आप तक पहुँच सके। आपकी सपोर्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी सपोर्ट दोगे तो। दुआ में हमें याद रखना, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल करना, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना कि हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है आपको, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना। कल की रेसिपी में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।